नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देख सकती है। मार्केट ओवरऑल जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर भी होती है तब भी यहाँ पर मार्केट इस तरीके से चलती है ऊपर आगे। मतलब ये जो नीचे जो छोटे मोटे डिप आते रहते हैं, ये जर्क जो कि जिसको हम कहते हैं, ये मतलब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आते हैं। लेकिन मार्केट एक ओवरऑल एक बड़े डाउन मतलब सॉरी अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि आज जो हमने एक्सपेक्ट किया था कल की वीडियो के अंदर कि भाई अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो हमको पता लग जाएगा डाटा पॉइंट्स के ऊपर, तो वही हुआ। जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने कल प्रॉमिस किया था कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप अभी तक उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा, उसका हिस्सा बनिएगा। वहां पर आपको कोई भी टिप्स नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता लगता रहेगा और लाइव डाटा बेसिस के ऊपर हम वहां पर मार्केट के डायरेक्शन तय करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा एक्सपेक्टेड था मतलब वैसा हुआ मार्केट के अंदर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाई आज मार्केट ने एक तरीके से एक ग्रीन कैंडल बना दी है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे तो कल मार्केट की जो यहाँ पर 17,340 के आसपास जो क्लोजिंग थी, आज मार्केट ने एग्जैक्टली सेम लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है, मतलब 5 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पर कोई नया काम ऐसा नहीं हुआ है कि या फिर नई पोजिशन ऐसी नहीं बनी है कि यहाँ पर मार्केट ने मतलब रैली दे दी हो एक अलग तरीके से, या फिर आगे मार्केट ने स्ट्रेंथ अपने आप को प्रूव की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब मार्केट ने कल जहाँ पे क्लोजिंग दी थी ना, वहीं पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। प्रेडिक्शन जो है वो अभी न्यूट्रल कहेंगे हम, ठीक है, न्यूट्रल। क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे हम, बेयरिश अभी नहीं कहेंगे। तब तक नहीं कहेंगे इस प्रेडिक्शन को बेयरिश, तब तक जब तक ये इस लेवल को ना तोड़ दे। कौन सा लेवल है ये? 17,150। कौन सा लेवल? 17,150। जब तक इस लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे, याद रखना इस लेवल को, जब तक इस लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे, जब तक मार्केट हम बियरिश नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ न्यूट्रल जरूर कह सकते हैं, ठीक है, आज के प्रेडिक्शन के हिसाब से, लेकिन बियरिश तो कम से कम नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ना जाए, 17,150 के नीचे। बात समझ में आ गई? तो आज का न्यूट्रल है क्या प्रेडिक्शन। बात करते हैं आगे डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बोल रहे हैं इस वक्त? डाटा पॉइंट्स ने जैसे कि हमने आपको समझाया था कि भाई इनको लगातार 4 दिन हो चुके हैं लॉन्ग पोजिशंस बनाते 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 बनाते, और आज इन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। ये किसका हाल है? ये मतलब FIIs का हाल है, देख सकते हो आप। FIIs ने जो है अपनी 2 के आसपास जब भी इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो पहुंच जाता है, तभी ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। तो आपको मैंने कल से समझाई थी सारी सारी कल की वीडियो के अंदर, वैसा हो रहा है मार्केट के अंदर। तो ये क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि हिस्टोरिकल भी जब क्या होता है कि 2 से ऊपर या 2 के आसपास, जब कभी भी 3 दिन के आसपास FIIs रोक लेते हैं अपनी पोजीशंस को, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते हैं। कल समझाया था पूरा डीप में, तो वही हमको देखने को मिला। तो इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। डाटा पॉइंट्स बुलिश थे, लेकिन उनको पता था प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो आई भी, और इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दिस इज द मतलब डाटा विच इज शोइंग नाउ प्रॉफिट बुकिंग ऑफ सम लॉन्ग साइड पोजिशन हैज बीन डन बाय द बिग प्लेयर। सो दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग मतलब डाटा राइट नाउ। सेकेंड इज कि यहाँ पर मैंने आपको कल भी समझाया था, जब जैसे ही रिटेल ट्रेडर बुलिश होना शुरू हो जाएंगे, देखिए आज अब ये अपने बुलिश पोजिशन बनाना शुरू कर दिए हैं यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, जैसे जैसे बुलिश होंगे मार्केट में, वैसे वैसे FIIs लोग बेयरिश होते जाएंगे। इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजिशन क्लोज करनी शुरू कर दी, बताया भी था आपको लाइव मार्केट के अंदर, और साथ में इन्होंने शॉर्ट पोजिशन बिल्ड करनी भी शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल सी इंडिकेशन दे रहा है कि अगर अपसाइड है तो बहुत लिमिटेड है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अपसाइड है तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है एज पर दिस डाटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जर्क मार्केट के अंदर या प्रॉफिट बुकिंग का वजह से थोड़ा बहुत नीचे जाना मतलब मार्केट का बनता है अभी के हिसाब से, जो डाटा पॉइंट बता रहा है। DIIs दोनों तरफ की पोजीशंस को एक दूसरे से हैच कर रहे हैं। ठीक है, ये रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। FIIs अब थोड़े से मतलब न्यूट्रल या स्लाइटली बेरिश होते नजर आ रहे हैं, तो पूरा बेरिश नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके अभी ये वाली पोजीशंस जो हैं ये अभी भी होल्ड पे हैं। तो
इनकी 14% जो पोजिशन ये वाली है, इसको इन्होंने 14% मतलब इन्होंने दोनों तरफ पोजिशन इक्वल कर ली है, ठीक है ना। ओके, तो प्रोपराइटर, प्रोपराइटर अब लॉन्ग हो रहे हैं, मतलब इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या किया जाए। कल जो इन्होंने शॉर्ट बनाई पोजीशंस, आज उन्होंने इनकी इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को लॉस में क्लोज कर लिया है। तो मतलब प्रोपराइटर को भी काफी झटके लग रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। लेकिन क्लियर कट जिसके इंडिकेशन है, जिसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, वो है कौन, FIIs। तो ओवरऑल डाटा जो है ये बता रहा है कि अपसाइड जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, अपसाइड जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब फटाफट से हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में क्या किया गया है। तो ऑप्शंस में जानने के लिए डाटा को देखना बहुत जरूरी है, ध्यान समझिएगा। कल की जो पोजीशंस थी कॉल बाइंग की, वो उन्होंने होल्ड करके रख दी, क्योंकि ये फुल बुलिश है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। जो कल की पुट बाइंग इन्होंने कर रखी थी, उसमें इनको लॉस हुआ, इन्होंने लॉस बुक कर लिया। और इन्होंने आज, क्योंकि तो इनको पुट बाइंग में लॉस हुआ, इनको लगा कि भाई हम पुट राइटिंग कर लेंगे, तो भाई इन्होंने पुट राइटिंग कर ली। तो मतलब इनकी इस वक्त जो पोजीशंस होल्ड पे हैं, वो कॉल बाइंग की होल्ड पे हैं और पुट राइटिंग की होल्ड पे हैं, लेकिन इन्होंने साथ में लॉस बुक किया है, कौन सा, पुट बाइंग का। क्लियर, DII पुट बाइंग के बैठे ही हुए हैं। FIIs ने क्या किया कि कॉल बाइंग का प्रॉफिट बुक किया आज के दिन, पुट राइटिंग का जो प्रॉफिट बुक किया आज के दिन, लेकिन इन्होंने पुट राइटिंग को क्लोज करने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद, इन्होंने पुट बाइंग भी कर ली, ठीक है, लिखा भी है मैंने, पुट बाइंग क्रिएट कर दी है इन्होंने। तो मतलब राइट नाउ द पोजिशन इज बेयरिश ऑफ द FII इन द ऑप्शंस। रिटेल की पोजिशंस बुलिश दोनों के दोनों। प्रोप्राइटर की पोजीशंस ये होल्ड पे हैं, मतलब बेयरिश होल्ड पे हैं। इन्होंने पुट राइटिंग जो कल बनाई थी उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, इन्होंने भी पुट बाइंग की है। तो ओवरऑल जो है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो प्रोप्राइटर और FII है, इन्होंने अपनी पोजीशंस का प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन जो ऑप्शंस की थी, साथ में फ्यूचर की पोजीशंस का भी प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, याद रखना इस चीज को, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो, ठीक है। और जो इनकी नई पोजीशंस हैं वो ये हैं, मतलब कॉल राइटिंग पुट बाइंग, ये भी क्लोज हो चुकी है पोजीशन, पुट बाइंग इनकी भी है, और इनकी दोनों पोजीशंस अब बुलिश हो चुकी है। तो मतलब रिटेल ट्रेडर्स आर फुल बुलिश राइट नाउ। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये अभी की पोजीशंस हैं। तो ऑप्शंस में भी FII प्रोपराइटर दोनों के दोनों बियरिश है, ठीक है, और बाकी कौन बुलिश है वो आपको समझ में आएगा। अब फटाफट से चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन देखिए, ये ऑप्शन चेन है यहाँ पर आपके सामने 4 अगस्त की, 4 अगस्त की ऑप्शन चेन दोस्तों क्या बोल रही है कि अपसाइड बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये वाली प्रॉफिट बुकिंग, ये मतलब हैज पोजिशन ही ये क्लोज कर दी गई है, यहाँ पर भी क्लोज कर दी गई है। जब भी ऐसा शुरू हो जाए होना OTM के अंदर, ये AB एक रूल होता है, जब भी ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ लेना टॉप नजदीक ही है, ठीक है, टॉप नजदीक है इस वीक का। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट का टॉप, करंट वीक का जो टॉप है वो नजदीक है, ठीक है। और ये कहाँ हो रही है, 17,600 पे हो रही है, 17,500 जो है ओवरऑल जो है इस वक्त बहुत हैवी जो है यहाँ पर फ्रेश एक्टिविटी की गई है। तो 17,500 विल बी द, मतलब कहते हैं ना, कहते हैं ना कि मतलब कैलाश पर्वत टाइप का जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर इस वीक के लिए है 17,500 के ऊपर, ठीक है, और एट द मनी के ऊपर। और देखिए फ्रेश कॉल राइटिंग प्रोपराइटर ने की है, पुट बाइंग जहाँ हुई है ना वो हुई है 17,000 के ऊपर आज के दिन, हैवी वॉल्यूम के साथ पुट बाइंग। यहाँ पे आपको दिखेगा अरे ये तो माइनस है, लेकिन नहीं दोस्तों, माइनस तो है, इतना हैवी जो वॉल्यूम है उसमें नेट बेसिस के ऊपर तो माइनस है, लेकिन पुट बाइंग भी जो हुई है वो यही हुई है। तो 17,200 के नीचे मार्केट जैसे ही जाएगा ना, तो मार्केट 17,000 की तरफ भी भागेगा, लेकिन पहले 17,200 के नीचे जाना जरूरी है मार्केट को। अगर नहीं गया, नहीं गया अगर 17,200 के नीचे, तो बेयरिश मत होना, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ, लेवल बहुत जरूरी है याद रखना। बेयरिश होना है, 17,200 के नीचे ही जाना जरूरी है मार्केट को, लेवल का वेट करना जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया डाटा बेयरिश है, सुबह सुबह 9 बजे 15 मिनट पर हमने बेयरिश ट्रेड ही ले लिया, ऐसा नहीं होता है। टाइम देना मार्केट के अंदर, पोजीशंस को रीड करना, उसके हिसाब से एग्जिट या एंट्री प्लान करना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन चेन जो है इस वक्त बेयरिश ही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऑप्शन चेन बेयरिश, फ्यूचर मतलब प्रॉफिट बुकिंग, बेयरिश नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा। प्राइडक्शन जो है वो भी न्यूट्रल बोलूंगा, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। रेसिस्टेंस जो है 429 का लेवल है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है, 429 का लेवल है, इसके ऊपर ही बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। और बेरिश होने के लिए 17,200 का लेवल,
लेवल मैंने आपको समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। तो ये सब चीजें थी आज के डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, और फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या एक्शन दे रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो, बैंक निफ्टी देखिए वैसा ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कि निफ्टी है, ठीक है। बट देखो अब इतना भाग चुका है ना हर चीज, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग भी डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिख रही है साफ साफ। तो हम, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, फ्रेश यहाँ पे इस लेवल के आसपास फ्रेश बुलिश पोजीशंस नहीं बनने का कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अब आपको वेट करना ही होगा। जो लोग नए हैं, ठीक है, और मेंबर्स के लिए, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको भी मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। वैसे तो मैं वहाँ पे ट्रेड डालता ही हूँ मेंबर्स के लिए जो मुझे लगता है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ मेंबर्स को भी और सबके लिए ओपनली बता देता हूँ कि इतना भाग चुके हैं ना, इतना भाग चुके हैं इंडेक्स कि यहाँ पर आपको नई एंट्री लेते हुए डरना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से डिप आ रहे हैं ना, आपको डिप के वेट करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डिप के, डिप आए तो बाय करेंगे, तो फर्दर जो रैली आएगी ना वो मजेदार रैली होगी, मस्त रैली होगी, ठीक है। अब इतना भाग चुका है, इतना भाग चुका है, तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत। यहाँ पर जिसने पेशेंस खोया ना फिर उसकी लंका लग सकती है, ठीक है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। और यहाँ मैं बेरिश नहीं हूँ, डिप का एक्सपेक्टेशन है लेकिन बेरिश नहीं हूँ। डिप के अंदर बाय जरूर करेंगे, ठीक है, डिप के अंदर बाय जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी डाटा पॉइंट्स जो है वो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के डाटा पॉइंट्स हैं वो अभी, मतलब मीडियम टर्म के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो तो बुलिश ही है, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बुलिश है, ये भी बात समझनी है, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है वो प्रॉफिट बुकिंग की दिख रही है थोड़ी बहुत लॉन्ग साइड की, लेकिन सारी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जितनी ज्यादा, मतलब अभी भी 14% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग रहती है FIIs की, तो आई होप कि वो कल करेंगे उस प्रॉफिट बुकिंग को, ठीक है। बाकी जैसा भी रहेगा डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट, वो कल बता देंगे। अभी के डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर ज्यादा लालच मार्केट के अंदर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई तो अपनी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।